शहर में पैसा बहुत है, इसीलिए जिंदगी और मौत का भी एक बाजार बन गया है। किसी को मारना है तो सुपारी लेने और देने का एक नया धंधा अस्तित्व में आया है। अंडरवर्ल्ड से शुरू हुआ ये सुपारी का खेल अब आम हो गया है। पैसा फेंको और किसी की भी जान ले लो, ये खेल बन गया है शहरों का। और इस खेल का एक और शख्स शिकार बनने वाला था। हेलो हेलो, अभी उसे मारना नहीं। अरे यार, मैंने पूरी तैयारी कर ली है। उसने पूरे पैसे नहीं दिए, इसलिए डील कैंसिल हो गई है, समझा? कभी कभी किस्मत सही हो तो इंसान मौत के मुंह से भी बच के निकल जाता है, लेकिन जब बदकिस्मती शुरू होती है तो अरे चल, निकालो इसे बाहर, दोबारा दिखना नहीं चाहिए यहाँ पे। आज के बाद मेरी बेटी और नातिन के आसपास भी दिखाई नहीं देना। जिस दिन तेरा अनीता से डिवोर्स हुआ, उसे सब कुछ खत्म हो गया। चल निकल। पापा। अनु पापा। अनु चलो। पापा। निकल बाहर। भाई साहब, क्या बात करूं इसे? बहुत चर्बी चली तुझे। अरे मैंने क्या किया? शराब बनता क्या? मार मारो। एक और पेपर पे साइन लीजिए ना, तो यही मार मार के रस मार देंगे। चलो चलो। बदकिस्मती जब किसी का दामन थाम लेती है तो उसका सामना हर पल एक नई मुसीबत से होता है। दिनेश घर पर है? हाँ? दिनेश, लेकिन आप लोग क्या किया? दिनेश, हाँ? दिनेश, चल तेरे नाम से कंप्लेन है। अरे अरे दिनेश, अरे कहाँ लेके जा रहे हो? अरे मेरे बेटे को कहाँ लेके जा रहे हो? अरे पर किया क्या इसने, ये तो बोलो। ये लोग दिनेश को काहे को लेके गए? अरे बोलना, काहे को लेके गए? ये ना सब तेरी वजह से होता है। कई बार हालात इस कदर परेशान करने वाले हो जाते हैं जिनके बारे में इंसान ने कभी सोचा भी नहीं होता। ऐसे में बेबस लाचार इंसान के पास रोने के अलावा कुछ नहीं रहता। मम्मी, मुझ पर झूठे आरोप क्यों लगाए जा रहे? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? सब मेरे साथ क्यों हो रहा है? क्यों? सुना था काली रात के बाद सुबह आती है, पर हमारी काली रात तो खत्म होने का नाम भी नहीं ले रही। दिनेश को ये लगने लगा था कि उसकी बदकिस्मती शायद उसका साथ नहीं छोड़ने वाली, और ये सच भी था। दिनेश के साथ अब तक जो हुआ उससे भी कहीं ज्यादा भयानक होने वाला था। मम्मी, मम्मी आपने मेरा फोन देखा है? सूत है गयो दिनेश, अरे यही रखा होगा, देखो तो सही से। अरे नहीं मिल रहा है ना, मैंने आपको कितनी बार कहा है, मेरी चीजों को हाथ मत लगाया कीजिए। दिनेश, ऐसा तो नहीं कि कहीं बाहर छोड़कर आ गया? ऐसे कैसे, मैं यहाँ चार्जिंग के लिए लगा के गया था। हाँ दिनेश बोलो। सो हाँ हाँ, वो मेरा फोन है। हाँ हाँ बेटा भाई, मैं आ रहा हूँ। आप माँ, मेरा फोन मिल गया। वो जिसे मिला है ना, वो कह रहा है कि उसके पास आके वो कलेक्ट करना पड़ेगा। दिनेश ले, मेरा फोन अपने साथ रख ले। हाँ, कोई बात होगी तो बताना। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। इस बाइक को क्या हुआ है? एक चीज सही हो रही है, एक चीज गलत।
साहब मेरा बेटा कल से घर वापस नहीं आया है। उस 11:30 बजे घर से गया था, उसका फोन खो गया था ना, वो लेने के लिए गया था। आपने आपके जान पहचान वाले रिश्तेदार उसके दोस्तों के पास पूछताछ की? हाँ, सबसे पूछताछ की। वो उनके साथ नहीं है। कुछ करो साहब इससे पहले कि मेरे बेटे के साथ कुछ हो जाए। ये बात आप इतने यकीन के साथ कैसे कह रहे हैं? आपका बेटा गायब हुआ है साहब। नहीं ना, ऊपर से उसका फोन भी नहीं लग रहा है। अभी थोड़ी टेंशन तो होगी ना, कुछ करो साहब जल्दी से। ठीक है, आप आपके बेटे की फोटो और बाकी सारी डिटेल्स मुझे दे दीजिए, हम उसे ढूंढने की कोशिश करेंगे। ये सर, मैं सुबह वो शॉर्टकट के चक्कर में यहाँ से जा रहा था तो देखा कि वहाँ पे लाश पड़ी है सर, इसलिए आपको फोन किया। इधर आगे सर। सर के पीछे किसी भारी चीज से मारा गया, बहुत गहरी चोट है। उल्टो खड़े शिंदे। सर ये तो वही है जिसके पिताजी आज सुबह पुलिस स्टेशन में इसकी मिसिंग कंप्लेंट लिखवाने आए थे। उसके गले पे भी काटा गया है, कहीं खून भी नहीं फैला हुआ, मतलब इसे कहीं मार करके तो बॉडी को यहां लाकर डंप किया है। ये देखो पैरों पे लकड़ी का बोरादा लगा हुआ है, मतलब इसे किसी ऐसी जगह मारा गया जहां लकड़ी का काम होता है। अंगूठियां भी निकाल ली गई, जरा पॉकेट चेक करो इसके। सर कुछ भी नहीं है, ना पैसे है ना मोबाइल, लगता है लूटपाट के इरादे से इसे मारा गया है। नहीं गुडर, अगर लूटपाट का मामला होता तो जहां इसको लूटा वहीं मार के बॉडी छोड़ देते। इसकी बॉडी को यहां ला करके डंप करने की मेहनत नहीं करते वो लोग। आसपास देखो कुछ मिलता है क्या। काम करो, इसके घर वालों को इत्तला करो और एम्बुलेंस बुलवाओ। ऐसे सर पर हाथ रखकर बैठे रहेंगे कि पुलिस स्टेशन जाकर पता करेंगे कि हुआ क्या है? अरे रेवा देने भाई, ज्यादा प्यार का नाटक दिखाने की जरूरत नहीं है। हाँ ये है ना, ये तेरा सगा, इसको प्यार कर ना। सू बात करे चू। हेलो करवा लो। दिनेश! 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 मैंने आप लोगों को बोला था कि कुछ करो, जल्दी करो, पर आप लोगों ने मेरी बात नहीं सुनी। अभी देखो देखो मेरा दिनेश मर गया। लीजिए, आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि आपको अंदाजा था कि दिनेश की जान खतरे में थी। किससे खतरा था उसे? सुयस साहब, सुयस। सुयस नहीं मारा है मेरे बेटे को, दिनेश को सुयस नहीं मारा है साहब। ये सुयस दिनेश का भाई जरूर है, पर ये मेरा बेटा नहीं है, मेरा बेटा नहीं है वो। क्या सुयस दिनेश का भाई है लेकिन आपका बेटा नहीं है? मेरी बीवी साहब चरित्रहीन है, ये सुयस किसी और का। कैसे बताऊं साहब, अभी मेरे पास कोई सबूत नहीं है ना इसका। आपके पास सबूत नहीं है फिर आपको कैसे पता? साहब सारी जिंदगी ना अकाउंटेंसी की है, ये घर का हिसाब किताब भी ना मेरे को तभी समझ में आ गया था जब मेरे रिटायरमेंट के 4 महीने के बाद ही ना उसने अपना गंदा खून दिखाना शुरू कर दिया था। तभी उसने मुझे मालूम पड़ गया ये मेरा बेटा आ ही नहीं। सोचा था मेरा ATM कार्ड किधर है? ATM? हाँ ATM कार्ड।
पता नहीं मुझे क्यों चाहिए एटीएम? वो मेरी पेंशन आई होगी ना अकाउंट में तो अच्छा थोड़ा पैसा चाहिए मेरे को। नहीं मिलेंगे पैसे भी नहीं मिलेंगे। सब मिल रहा है ना खाना पीना सब दे रही है ना ये क्यों चाहिए? खाना पीना मिल रहा है मतलब तो और क्या चाहिए? अरे मैं क्या घर का कुत्ता हूँ? कुत्ता हो क्या मैं घर का? सारी जिंदगी मेहनत की पैसा कमाया अभी रिटायर हो गया तो इसका मतलब ये नहीं। तू बोल तू जा पीछे का हाथ में बोल छोड़ हाथ बोलना क्या छोड़ बोल नहीं मिलेगा। अरे मैं तभी समझ गया ये मेरा कूड़ है ही नहीं। लेकिन आप दिनेश के मर्डर का आरोप सुरेश के ऊपर ही क्यों लगा रहे हो? क्योंकि वो मेरे बेटे दिनेश से जलता था बहुत जलता था क्योंकि मेरा बेटा ना दिनेश मेरी साइड लेता था इसके लिए। भाई दिनेश तुम पीछे जाओ यार। अब ठीक है पापा को हाथ कैसे लगा? तूने तूने शहदे रखी है ने तेरी वजह से सर पे चढ़ के नाच रहे पूरा घर ही ला रखे उन्हें। बस सुरेश भाई सामने से बस सुरेश बस हाथ नहीं लगाना पापा को। पापा पापा ठीक कहते हैं तू उनका खून हो ही नहीं सकता। तुम दोनों बाप बेटे ने एक तो मेरी जिंदगी खराब कर दी देख तुम दोनों की जान ले लूंगा मैं। साहब मैं तो बोलता हूं मेरे घर पे जाके आप उसको पकड़ो उसको लाके फांसी पे लटकाओ। अरे बेटे दिनेश को मारा है उसने दिनेश। ये नरेंद्र जी जब सुबह दिनेश की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाने के लिए आए थे तब उन्होंने बताया कि दिनेश का फोन नहीं मिल रहा था। 1:30 बजे के आसपास वो अपना फोन लेने के लिए निकला और उसका मर्डर हो गया राइट? राइट सर। और उनका कहना है कि घर के लैंडलाइन पर फोन आया था। जिस किसी ने फोन किया था उसने दिनेश से यह कहा कि तुम्हारा फोन मिल गया है आकर लेकर जाओ। हाँ बेटा भाई मैं आ रहा हूँ। मतलब ये मर्डर पूरी प्लानिंग से किया गया था। सर नरेंद्र जी को अपने छोटे बेटे पर शक है क्या करे? बुलाए उसे पूछताछ के लिए। हाँ लेकिन उसके पहले नरेंद्र जी के घर के आसपास पूछताछ करो पता करो वो जो कह रहे हैं वो ठीक है या नहीं और उस लैंडलाइन का CDR भी निकालो पता करो वो फोन किसने किया था। ओके सर। कभी कभी सच और झूठ के बीच सिर्फ एक महीन रेखा होती है। दिनेश व्यास के पिता ने अपनी पत्नी और छोटे बेटे पर संगीन आरोप लगाया था। इस आरोप की सच्चाई जानने के लिए पुलिस ने अड़ोस पड़ोस के लोगों से पूछताछ शुरू कर दी। सुनिए ये नरेंद्र व्यास और उसके परिवार के बारे में हमें कुछ बता सकते हैं? कैसा रिश्ता था आपस में इन लोगों का खास करके नरेंद्र जी के साथ? अब 25 साल से ज्यादा हो गए यहाँ रहते हैं पर पिछले 24 साल में कभी नरेंद्र को इतना अजीब नहीं देखा जितना उसके रिटायरमेंट के बाद पिछले एक साल में देखा है। अरे कुलकर्णी भाई एक 50 रुपया तो दो ना। नरेंद्र भाई क्या बात है 2-3 दिन से रोज पैसे मांग रहे हो तुम्हें तो अच्छी खासी पेंशन आती है और फिर रिटायरमेंट का पैसा भी तो मिला होगा। अरे कुलकर्णी भाई रिटायरमेंट का पैसा जो मिला था ना वो मेरी बीवी ने FD करके रख ली और जिस अकाउंट में मेरा पेंशन का पैसा आता है ना उसका ATM कार्ड भी ले लिया उसने। अरे पर तेरे दोनों बेटे अच्छा खासा कमाते हैं बेटों से मांग लिया कर। अभी दिनेश से तो एक बार मैं मांग भी सकता हूँ पर वो सुयश ना वो मेरा बेटा नहीं है। वो ये देखो ये वो जब भी देखो मेरे को मारता रहता है जब भी मौका मिलता है मारता है मेरे को। 50 रुपया दे दो ना मेरे को वो दवा लेनी है मैं जल्दी आपको दूंगा। थैंक यू मैं दूंगा आपको। और मैंने उसे पैसे दे दिए पर उन 50 रुपये को तो शराब लेके पी ली। ये सुरेश और दिनेश इन दोनों भाइयों के बीच में रिश्ता कैसे था? सब सुरेश गर्म दिमाग का था पर दिनेश बड़ा ही जान। लेकिन करीब 2 महीने पहले दोनों भाइयों में बहुत झगड़ा हुआ था नौबत मारपीट तक पहुंच गई। दिनेश खोया हुआ फोन लेने के लिए घर से गया था। आपको कुछ बताया था कहाँ जा रहा है या किसने उसे फोन करके बुलाया? नहीं कुछ नहीं बताया। दिनेश के पास कोई दूसरा फोन था जिससे हमें ये पता लग सके कि वो किस तरफ गया है?
वो जब जा रहा था तो मैंने उसे अपना फोन दे दिया था। दिनेश मेरा फोन रख अपने साथ, हाँ कोई बात होगी तो बताना। वो भी कल से बंद आ रहा है। कुडर है, इनका नंबर लेके उस नंबर की CVR निकलवा और लास्ट लोकेशन पता करवा। देखिए मैं समझ सकता हूँ कि आप अभी कुछ बताने की हालत में नहीं है, लेकिन नरेंद्र जी का कहना है कि सुयश उनका बेटा नहीं है। दोनों भाइयों में इस बात को लेकर झगड़ा हुआ और सुयश ने उसे मार दिया। सर बात यह है, मेरे पापा हो गए हैं पागल, इसलिए ऐसी बातें कर रहे हैं। मैं पौने 11 बजे ऑफिस के लिए निकल गया था, मैं वहीं था पूरी रात, देर से निकला हूं मैं ऑफिस और संडे को। सर मेरा केबल टीवी का काम है, मेरा संडे को हम लोगों को ज्यादा काम रहता सर, आप पूछ लो सर। अब इस उम्र में ऐसी बातें करने लगे हैं सर, मेरा तो घर से निकलना मुश्किल हो गया, लोग अजीब अजीब नजर से देखते हैं। सर पहले ऐसा नहीं करते थे वो, अभी एक साल से ऐसा करने लगे। सर दारू पी पी के उनके लीवर में इन्फेक्शन हो गया, मैं इसलिए उन्हें पैसे नहीं देता, इसलिए उनका ATM छीन लिया मैंने। हाँ लेकिन तुमने उन पे हाथ उठाया। अरे सर वो मान नहीं रहे थे, मुझे करना पड़ा ऐसा। मैं मानती हूँ स्वेज का तरीका गलत है, पर दिनेश उन्हें प्यार से समझाता तो बस इसीलिए स्वेज उनकी आंखों में खटकने लगा। लेकिन दोनों भाइयों में झगड़ा तो हुआ था ना। सर भाई भाई में झगड़ा कहाँ नहीं होता है सर, लेकिन मुझसे ज्यादा प्रॉब्लम उस वीना भाभी को थी। वीना भाभी मतलब दिनेश की वाइफ? सर उनकी सेकंड वाइफ। सर एक बार तो वीना भाभी के प्रेमी सतीश ने अपने लोगों से दिनेश भाई को 20 सड़क पर पिटवाया, मैंने देखा उन्हें। बहुत पेपर पर साइन लीजिए ना तो यही मार मार के देंगे। तुम अपने भाई को पिटते हुए देखते रहे, उसे बचाया नहीं? सर मैं डर गया था वहां पर। कल वीना घर पर भी आई थी दिनेश से मिलने। दिनेश दिनेश वीना आओ बैठो। एक्चुअली मैं खुद ही तुमसे मिलने आने वाला था, पूछना चाहता था कि अपने पति को मॉलेस्टेशन के झूठे केस में फंसाकर कैसा लग रहा है। दिनेश मुझे ना तुमसे बहस करने का कोई शौक नहीं है, सुबह सुबह तुम एक अच्छा काम कर लो, ये पेपर्स है इस पे साइन कर दो। किस बात के पेपर्स है? डिवोर्स के पेपर्स है। तुम्हें क्या हो गया? मुझे ऐसा लगता है कि हमारे रिलेशनशिप को और एक मौका देना चाहिए। दिनेश तुम थक नहीं गए हो ऐसी घिसी पीटी बातें करके? इतनी मार खा के तुम्हें अकल नहीं आई है क्या? वीना तुम अकल से काम लो, जो लड़का है वो अच्छा नहीं है, वो तुम्हें फंसा रही है, समझो मेरी बात को। मैं अच्छी तरह समझ चुकी हूँ, अब है ना तुम्हारा परमानेंट इलाज करना पड़ेगा। इस औरत ने बहुत गलत किया दिनेश के साथ सर, फिर भी वो उसके लिए अच्छी ही थी। एक बार झूठे आरोप में पुलिस चौकी के चक्कर भी लगवाए उसने और कल ये धमकी देकर गई। अब वीना और सतीश का नंबर और एड्रेस लिखवा दीजिए। वैसे आपको पता है कि दिनेश का फोन कहां से गायब हुआ था? कल संडे था सर, वो थोड़ा देर से सो के उठा, थोड़ी देर बाद कहने लगा उसका फोन नहीं मिल रहा है, फिर किसी का फोन आया और वो घर से चला गया। मतलब घर से गायब हुआ था? मैंने खबर नहीं थी साहब। दिनेश ने सुबह उठने के बाद कहा कि उसका फोन नहीं मिल रहा, मतलब उसका फोन घर से ही चोरी हुआ। सर ये काम सुयश आसानी से कर सकता है। दिनेश की दूसरी पत्नी वीणा वो भी तो ये कर सकती है। हाँ कर सकती है सर, या ये भी हो सकता है कि ये काम किसी और से करवा गया हो। पूरी प्लानिंग के साथ पहले मोबाइल गायब किया, फिर लेने के लिए बुलाया और मार डाला, और फिर बॉडी दूसरी जगह ले जाके डंप कर दी। जरा वीणा और इसके प्रेमी से बात करते हैं और सुयश का CDR भी निकलवा। अगर सब काम मुझे ही करना है तो तुम्हें पगार किस बात की दे रहा हूं मैं? 2 दिन से साइट बंद है, माल नहीं आ रहा है, तुम कर क्या रहे हो वहां पे? थोड़ी बहुत पेमेंट देके काम चालू करवाओ, नौटंकी साला। सतीश आइए कहिए क्या सेवा करें? बस जितना हम पूछे उसका जवाब दे दीजिए, उतनी सेवा काफी है। जी कहिए। दिनेश व्यास का मर्डर हुआ है। जी पता चला मुझे। आप दिनेश व्यास की दूसरी पत्नी वीणा से शादी करना चाहते थे? जी सर। लेकिन दिनेश उसे डिवोर्स दे नहीं रहा था, तो वीणा ने उसके खिलाफ पुलिस में झूठी कंप्लेंट की, उसको पिटवाया,
बाद में दिनेश के घर भी गई थी उसे धमकी देने। तो और क्या करते सर, बिना को उसके साथ रहना नहीं था और दिनेश उसे छोड़ना नहीं चाहता था। हाँ, लेकिन दिनेश के रहते आपका ये परिवार पूरा नहीं हो पाता, इसलिए हमें लगता है कि आपने दिनेश को मरवा दिया। सर आपको अगर कुछ सबूत मिल जाए तो मुझे बता देना, मैं खुद फांसी चढ़ने आ जाऊंगा। लेकिन अभी फिलहाल मुझे जाना है, साइड पे लेबर का प्रॉब्लम है, चाय पी के जाइएगा सर। वीणा व्यास जी, आपसे बात करनी है। लेकिन आप प्लीज मुझे वीणा बुलाइए। सबका कहना है कि दिनेश अच्छा आदमी था। वैसे आपका और दिनेश का दोनों का पहली शादी से डिवोर्स हुआ था, बाद में आप दोनों मिले, आपने शादी की, फिर ऐसा क्या हुआ कि आपने दिनेश को भी छोड़ दिया? सर, दिनेश से दूसरी शादी करने के बाद मुझे ऐसा लगा था कि मेरी लाइफ फाइनली ट्रैक पे आ जाएगी, लेकिन वहां जाने के बाद पता चला कि उनकी लाइफ सही ट्रैक पे नहीं थी। यही पीना चाहता था, यही पी पी के मरना था। काम करते हैं, मैं मारना चाहता है ना। हाँ, अरे मारना, अरे गंदा खून ये कर भी क्या सकता है। ये सर, उस घर में एक पल भी सुकून से नहीं रह सकती थी मैं, इसलिए मैंने सोचा कि मैं जॉब कर लेती हूँ ताकि थोड़ा टाइम मैं बाहर रह सकूंगी। मुझे सतीश की कंस्ट्रक्शन कंपनी में जॉब मिल गया। धीरे धीरे मुझे सतीश अच्छा लगने लगा। उसकी छोटी सी फैमिली थी और 5 महीने पहले ही सतीश के कहने पर मैंने दिनेश का घर छोड़ दिया। लेकिन दिनेश ने आपको नहीं छोड़ा और इसीलिए आपने उस पर बदतमीजी का झूठा आरोप लगाया, उसको पुलिस से पिटवाया और बाद में शिकायत वापस ले ली। सर, मैं और क्या करती, वो मुझे डिवोर्स देने के लिए तैयार ही नहीं था, इसलिए सतीश के कहने पर मैंने ये सब किया। और सतीश के कहने पे आप दिनेश के घर गई, उसका मोबाइल गायब किया, उसे मरवा दिया। फोन गायब किया? नहीं सर, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। दिनेश की माँ ने बताया कि दिनेश का फोन उसी सुबह उसके घर से गायब हुआ और उसी दौरान आप भी उनके घर गई थी उनको धमकी देने। हाँ सर, लेकिन मैंने फोन नहीं चुराया है सर, आज नहीं तो कल मुझे दिनेश से डिवोर्स मिल ही जाता। सर, उसकी पहली बीवी अनीता से उसके कोई इश्यूज चल रहे थे जो कि इतनी जल्दी सॉल्व होने वाले नहीं थे। क्या इश्यूज चल रहे थे? सतीश और मीना दोनों के CDR निकालो और बैंक स्टेटमेंट भी, अगर सुपारी का एंगल है तो पैसों का लेन देन हुआ होगा। ओके सर। दिनेश के मर्डर के लिए आप लोग हमसे पूछताछ क्यों कर रहे हैं? मेरी बेटी का और मेरा अब उसके साथ कोई संबंध नहीं है, 3 साल हो चुका है उनका डिवोर्स हुए। डिवोर्स पति पत्नी का होता है, माँ बाप का नहीं। अनु आपकी नातिन दिनेश की बेटी है। हाँ हाँ, तो हमारी जानकारी के मुताबिक आप लोग अनु को दिनेश से मिलने नहीं देते थे। अनु चलो पापा। हाँ अंकल, मुझे पापा से मिलना अच्छा लगता था लेकिन मम्मी मुझे मिलने ही नहीं देती थी। चुप कर, 1000 बार कहा जब बड़े बात करते तो बीच में बोला नहीं करते। अंदर जा, जा अंदर।
देखिए वो दिनेश इसे बहला फुसला था इसलिए ये ऐसी बातें कर रही है। आपका डिवोर्स क्यों हुआ दिनेश के साथ? सर मुझे वो जॉइंट फैमिली में रहना पसंद नहीं था और हजार बार कहा था मैंने दिनेश से, लेकिन उसने कहा कि वो अपने माँ बाप को नहीं छोड़ सकता तो मैंने उसे छोड़ दिया। देखिए आप लोग गलत जगह अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, यहाँ आपको कुछ नहीं मिलने वाला। उठा रहे दिनेश और अनीता की बेटी अनु से जरा अकेले में प्यार से बात करके देखो, देखो कि उसके कानों पे कभी कोई ऐसी बात पड़ी है क्या। ओके सर। हेलो। हाँ हाँ ठीक है हम लोग पहुंच रहे हैं। सर सतीश ने दिनेश को मारने के लिए जो चार गुंडे भेजे थे उन्हें पुलिस स्टेशन लाया गया है। सुयश को भी बुलाओ। ओके सर। सुयश ध्यान से देखें इन चारों को, यही थे ना जिन्होंने दिनेश के साथ मारपीट की थी? बाइक चलाने वाले दो लोगों ने तो हेलमेट पहना हुआ था तो इसलिए मैं पहचान नहीं सकता, लेकिन सर ये लोग थे, इन दोनों ने दिनेश भाई को मारा था। जा लेकिन जाओ। बस 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 उठा रे। कितना लेते हो मारपीट का? सब 5,000 रुपए दिए थे सतीश ने इस काम के लिए। अच्छा मर्डर का कितना लेते हो? हम लोग मर्डर की सुपारी नहीं लेते साहब। नहीं सर। क्यों जब 5,000 में मारपीट करते हो तो 50,000 में मर्डर भी खरीदोगे? किसी की बात नहीं कर रहा हूँ, दिनेश की बात कर रहा हूँ। जब तक ये सच नहीं बोलते इनको तोड़ते रहो। अरे साहब नहीं मारा हम लोग। सर दिनेश की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। रिपोर्ट के मुताबिक दिनेश की मौत 15 तारीख को दोपहर 2:30 से 4 बजे के बीच में हुई है। दिनेश के गले पर जो कट था वो किसी आरी जैसे चीज से किया गया था। दिनेश के फूड पाइप में न्यूज़पेपर का टुकड़ा भी मिला है। दिनेश चिल्ला ना सके इसके लिए उसके मुंह में न्यूज़पेपर ठूस दिया। सर दिनेश के बॉडी पर स्ट्रगल के निशान भी मिले। मतलब साफ है गुंडे हत्यारे एक से ज्यादा थे। सर वो सतीश के गुंडे नहीं हो सकते क्योंकि 15 तारीख को सतीश के गुंडे दिन भर बार में बैठ के दारू पी रहे थे। सर दिनेश और उसके माँ के कॉल रिकॉर्ड। सर दिनेश के कॉल रिकॉर्ड के मुताबिक दिनेश का फोन उसके घर से ही चोरी हुआ था और लगभग 12 बजे उसका फोन उसके घर के आसपास ही बंद हुआ। उसके बाद 1 बजे उसका फोन मीरा रोड में ऑन हुआ और इसी फोन से दिनेश के घर के लैंडलाइन पर फोन किया गया था। दिनेश अपनी माँ का फोन लेके गया था, उसका लास्ट लोकेशन क्या है? सर दिनेश की माँ के मोबाइल का लास्ट लोकेशन मीरा रोड के महाजनवाड़ी का है। लगभग 3:30 बजे उसका फोन भी वहां स्विच ऑफ हो गया। कुठारे इस लोकेशन के हिसाब से वहां का सीसीटीवी फुटेज निकालो, देखो दिनेश के साथ या उसके आगे पीछे कोई और था क्या, क्योंकि इतना तो तय है कि जिसने दिनेश का मोबाइल चुराया वो इस हत्या में शामिल है। दिनेश की मौत जितनी रहस्यमय थी उसकी जिंदगी भी उतनी ही उलझी हुई थी और उसके कातिल तक पहुंचने के लिए उसकी जिंदगी को समझना बेहद जरूरी था, इसलिए पुलिस दिनेश से जुड़े हर व्यक्ति को खंगाल रही थी। इसी बीच पुलिस को दिनेश की बेटी अनु मिली। ठीक है अनु बेटा। हाँ अंकल। बेटा हम आपके पापा के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं। आप अपने पापा से बहुत प्यार करती थी ना? हाँ अंकल, पर मेरी मम्मी मुझे पापा से मिलने ही नहीं देती थी। बाय रसूला। हेलो बेटा। पापा कैसे हो तुम? अच्छे हो पापा, आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। पापा प्लीज कुछ करो ना, मुझे आप दोनों के साथ रहना है पर मम्मा रहने ही नहीं देती। बेटा मैं मम्मा से बात करूंगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अनु
छोड़ दो मेरी बच्ची को। वो मेरी भी बच्ची है। तुम इसको छुप छुप के मिलते हो, पुलिस के हवाले कर दूंगी, समझे ना? मामा प्लीज आप पापा के साथ ऐसे मत करो। तो चुप करो और चल यहाँ से, चल। मामा देखना, जब मैं थोड़ी बड़ी हो जाऊंगी ना, तब मैं कोर्ट पे जाऊंगी और कहूंगी कि मुझे पापा के साथ ही रहना है, फिर आप मुझे रोक नहीं पाओगे। अनीता चुप, चल चल तू। अंकल प्लीज आप मेरी मम्मी या मेरे नाना जी को कुछ बताना मत कि मैंने आपको बताया है, क्योंकि आपने पापा की बात निकाली तो मैंने आपको सब बता दिया। ठीक है बेटा। भाई साहब ये सीसीटीवी काम करता है? हाँ साहब काम करता है। सर हमने अनीता के घर के आसपास के लोगों से पूछताछ की तो पता चला है कि 6 दिन पहले ही अनीता के ड्राइवर और नौकर ने दिनेश के साथ मारपीट की थी। लेकिन अनीता और उसके फादर ने ये बात हमसे छुपाई। मुझे दोनों पहले से खटक रहे थे लेकिन उनका मोटिव साफ समझ में नहीं आ रहा था। सर मैंने अनीता की बेटी अनु से भी बात की, वो तो अपने डैडी के पास जाने की बात कर रही है। उसने यहाँ तक धमकी दी है कि जब वो बड़ी हो जाएगी तो दिनेश के पास चली जाएगी। अगर बच्ची इस तरह की बात कर रही थी तो मतलब साफ है कि अनीता और उसके पिताजी दोनों डर गए होंगे कि दिनेश किसी दिन उनसे बच्ची को छीन लेगा। सर ये तो स्ट्रांग मोटिव बनता है। बिल्कुल। वैसे दिनेश की माँ का फोन जहाँ बंद हुआ था वहाँ की सीसीटीवी फुटेज का क्या हुआ? सर शिंदे लेकर आ रहा है। सर बस्ती का सीसीटीवी फुटेज। 2 बजे के आसपास का फुटेज चलाओ। थोड़ा आगे बढ़ा। सर ये देखिए दिनेश ऑटो से इस बस्ती में आया और फिर यहाँ उतर कर वो सामने की गली में चल के जा रहा है। थोड़ा और आगे बढ़ा। सर रघु ये तो अनीता का ड्राइवर है, ये दिनेश के पीछे चल के जा रहा है। थोड़ा और आगे बढ़ो। दिनेश वापस आता हुआ नहीं दिखा। नहीं सर। रघु को उठा के लाओ। क्यों मार रहे हो साहब मुझे? देख बेटा झूठ तो तू बोलना मत, सीसीटीवी फुटेज में तू नजर आ रहा है दिनेश के पीछे पीछे जाते हुए। अरे नहीं नहीं साहब, उस दिन जब दिनेश ऑटो से उतरा ना साहब तो मैं खुद हैरान हो गया उसको वहां देख के, क्योंकि मेरा घर भी उसी एरिया में साहब। तो साहब मैं पीछे पीछे हो लिया, थोड़ा आगे जाके वो राइट मोड़ लिया और मैं सीधे अपने घर चले गया साहब कसम से। चल तेरे घर का एड्रेस है। क्यों साहब? तलाशी लेनी है। शिंदे सर घर की अच्छी तरह से तलाशी लो, देखो कुछ सस्पेशियस मिलता है क्या, कोई ब्लड मार्क ऐसा कुछ भी। सर ये तो लकड़ी कटने का सामान है। दिनेश के गले पर भी ऐसे ही रफ कट के निशान थे, शायद ऐसे औजार से उसका गला कटा गया होगा, लेकिन इस पर तो कोई खून के निशान है नहीं, शायद धो दिए होंगे। शिंदे काम करो ये सारे औजार फॉरेंसिक लैब भेज दो। सर ये देखिए इसमें बुरादा भी है, ये ऐसा ही बुरादा दिनेश के जूतों में भी मिला था। ये बुरादा भी फॉरेंसिक लैब टेस्ट के लिए भेज दो, हो सकता है कि दिनेश के जूतों में जो हमें बुरादा मिला था उसे ये मैच कर जाए। ओके सर। रघु हमारा प्राइम सस्पेक्ट है, उसके घर से जो औजार और लकड़ी का बुरादा मिला है उसकी जाँच की रिपोर्ट आने के बाद पक्के सबूतों के साथ उससे कड़ी पूछताछ करेंगे। सर मैंने दिनेश का छोटा भाई सुयश, दिनेश की पहली पत्नी अनीता, अनीता के पिता श्याम और दिनेश की दूसरी बीवी वीना और उसका लवर सतीश, इन सभी के CDR और बैंक डिटेल्स मंगाए थे। CDR में तो कुछ खास नहीं मिला सर। हालांकि सुयश और सतीश अपने प्रोफेशन की वजह से ऐसे लोगों को जानते होंगे जो सुपारी ले सकते हैं। इनके बैंक स्टेटमेंट में कुछ मिला? सर सुयश के बैंक स्टेटमेंट में कोई बड़ा ट्रांजेक्शन नहीं है और अनीता के पिता श्याम एक बड़े बिजनेस पर्सन है, सतीश का कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है, इसलिए उनके बैंक स्टेटमेंट में बड़े ट्रांजेक्शन तो है लेकिन शक करने की कोई वजह नहीं है। लेकिन रघु के CDR रिपोर्ट में एक बात सामने आई है, रघु के मोबाइल का लोकेशन 15 तारीख को 10:20 पर दिनेश के घर के आसपास का था। हाँ सर अनीता का ड्राइवर रघु आया था। जब रघु आया था आप यहीं थी? मैंने ही दरवाजा खोला। दिनेश साहब
उसके हाथ में नोटिस थी, कोई नोटिस लेकर आया था अपने साथ। क्या है? साहब ने नोटिस भेजा है, ये ले लो और इस पेपर पे साइन कर दो। मैं ना ही किसी पेपर पे साइन करूंगा और ना ही एक्सेप्ट करूंगा। जा बता दे अपने साहब को। देख रघु, बातचीत का अभी आखिरी मौका है, अब झूठ मत बोलना। 15 तारीख को तू दिनेश के घर गया था? हाँ सब गया। तूने उसका फोन चुराया? नहीं सब नहीं चुराया। मीरा रोड ले जाके फोन ऑन किया, उसके लैंडलाइन पे फोन किया, दिनेश को अपनी बस्ती में बुलाया? साहब ना मैंने मारा ना मैंने फोन चुराया, मेरी बात का यकीन कीजिए साहब। मैं ना ही किसी पेपर पे साइन करूंगा और ना ही एक्सेप्ट करूंगा। रघु सच बोलेगा तो सजा कम होगी। साहब मैं सच ही बोल रहा हूँ, आप ही मेरी बात का यकीन नहीं कर रहे हो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 क्या बकवास फोन लेके आया यार, इन सब का मिला के तो मैं 1000 रुपये भी नहीं दे पाऊंगा यार। कम से कम 5000 तो दे दे। पागल हो गया क्या तू? 5000? देख एक काम कर, जा स्मार्टफोन लेके आ नया वाला, फिर तेरे को 5000 मिल सकता। सर रघु के घर पर लकड़ी काटने की जो आरी हमें मिली थी उसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई है। रिपोर्ट के मुताबिक उस आरी पर ब्लड के ट्रेसेस नहीं मिले। और वो बुरादा? बुरादा भी दिनेश के जूतों में जो बुरादा मिला उससे मैच नहीं हो रहा। कहीं ऐसा तो नहीं कि रघु सच बोल रहा है, या फिर ये इतना चालाक है कि इसने सारे सबूत इस तरह से मिटा दिए कि हमें कुछ ना मिले? दोनों बातें हो सकती है सर। एक बार उस एरिया में जाके भी देखना चाहिए जहाँ दिनेश के जाने की बात रघु ने कही थी। अरे दिनेश का जहाँ मर्डर हुआ था वहाँ कारपेंटर का काम होता है। तुम इस तरफ देखो, हम इस तरफ देखते हैं। ओके सर। सर अंदर तो लगभग 40-45 कारपेंटर की दुकानें हैं। सिर्फ शक की बिना पर किसी दुकान की तलाशी लेना मुश्किल है। दिनेश की हत्या की इन्वेस्टिगेशन में पुलिस को नए सुराग मिल रहे थे जो इन्वेस्टिगेशन को नई दिशा में ले जा रहे थे, पर मंजिल अब भी दूर थी। ये लो, एकदम नया है। कंडीशन ठीक है इसका? चालू है ये? अरे एकदम चालू है, टन टना टन। अब लाओ 5000। ए भाई पहले मेरे को चेक करने दे। हाँ ठीक है कर लो। सर दिनेश का फोन अभी आधे घंटे पहले ही ऑन हुआ है, लोकेशन भी ट्रेस हो गई है, बस्ती के पास वाले मार्केट एरिया है। कुठारे किसी भी हाल में मुझे वो चाहिए। ओके सर। कोई भी आएगा और फोन बेचना चाहेगा और तुम बिना बिल देखे वो फोन खरीद ले हुए। चोरी का फोन खरीदने का धंधा है क्या तुम्हारा? सॉरी सर वो बेटा तुम्हारे ऊपर तो मैं अच्छे एक्शन लूंगा। ये फोन सिर्फ चोरी से नहीं एक मर्डर केस से जुड़ा हुआ है। जो लड़का ये फोन बेच के गया जानते हो उसे? दिनेश व्यास का फोन तेरे पास कहाँ से आया? वो साहब मैंने फोन चुराया था। चुराया था? जिसका फोन है उसका मर्डर हो गया जानता है क्या? जानता है क्या कहाँ से चुराया? साहब वो घर से ही चुराया था, बाप के ड्रॉयर में रखा हुआ था। चल! अरे अरे साहब साहब ले जा उसको। साहब हुआ क्या? चल भाई। तेरे बेटे ने तेरे घर से स्मार्टफोन चुराया, तेरे पास कहां से पहुंचा? सब फोन मेरे को मिला था साहब, कचरे के ढेर के पास, और मैं ले लिया साहब। और साहब सोचा कि मेरी किस्मत खुल गई, लेकिन अब पता चल रहा है कि मेरी किस्मत तो बकवास है साहब। खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा बारह ना। क्या खाया क्या पिया कितना गिलास तोड़ा सब पता चल जाएगा जब तेरे घर की तलाशी लेंगे, समझा? अंदर डालो इसको। सर जगन कारपेंटर है, लेकिन उसके घर पर हमें ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिस वजह से हम उस पर शक कर सके, ना ही पैसा ना ही दिनेश की माँ का फोन। और अगर मर्डर वहाँ हुआ भी होगा तो जिस पे खून गिरा होगा वो बुरादा तो अब तक वहाँ से हट चुका होगा।
मतलब ब्लड के सैंपल्स भी नहीं मिलेंगे। हाँ सर, लेकिन ये तो पक्का है कि दिनेश का मर्डर उसी बस्ती में हुआ है और बाद में उसकी लाश को दूसरी जगह ठिकाने लगाया गया। और ऐसा करने के लिए, लाश को ले जाने के लिए किसी न किसी व्हीकल का इस्तेमाल हुआ होगा, और ये काम दिन दहाड़े करना मुश्किल है तो रात को हुआ होगा। एक काम करो, 15 तारीख का वहां का रात का सीसीटीवी फुटेज चेक करो, देखो कोई ट्रक टेम्पो गाड़ी कुछ आया गया है क्या। सर ये देखिए, रात को ठीक 1:13 पर ये टेम्पो बस्ती की तरफ आ रहा है और फिर यहाँ कोने में जाकर रुक गया। ये गली से जगन बाहर आया, टेम्पो लेके अंदर गया। ठीक 25 मिनट बाद टेम्पो बस्ती के बाहर जा रहा है। थोड़ा रिवाइंड करो, चलो पॉज। टेम्पो का नंबर दिख रहा है, पता करो किसका। सर यही है वो टेम्पो, और आरटीओ से जो एड्रेस मिला ना वो यही घर है। ये तेरा टेम्पो है? हाँ सर। क्या हुआ? तेरे टेम्पो को फॉरेंसिक लैब भेजना है और तुझसे सच बुलवाना है। चल साहब। चल। बहुत मेहनत कर रहा है तू आजकल, रात रात भर टेम्पो चलाता है। अब साहब यहाँ पैसे कमाने ही तो आए हैं। तेरे टेम्पो से ब्लड के सैंपल मिले हैं, मैच करने के लिए भेजे हैं। दिनेश व्यास के साथ पक्का मैच कर जाएंगे। अब बोल। साहब गलती होगी साहब, साहब जगन को किसी ने सुपारी दिया था साहब दिनेश की। हाँ भाई जगन, वो फोन मुझे कचरे के ढेर से मिला था, है ना? सब ये बात आप दोबारा क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि तेरा पार्टनर महेश हमारी हिरासत में है और उसने सब कुछ बक दिया। क्या साहब? हेलो भाई साहब, आपका फोन खो गया ना? हाँ हाँ, वो मेरा फोन है। हाँ हाँ जी, मेरे पास है, आप कभी भी आके ले सकते हैं। मोटा भाई दिनेश। नमस्कार नमस्कार। ओ, आपको मोबाइल मिला मेरा। अरे जरा फोन लेकर आना। और बताइए, रास्ते ढूंढने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? तो मिल गया ना, एरिया मालूम था, पर ये नहीं मानता। और कुछ नहीं। मेरे को लगा कि कोई आपको रास्ता ना मिले। दिनेश का फोन तेरे पास कैसे है? और दिनेश की सुपारी किसने? नरेंद्र जी अगर सच बोलेंगे तो आपको और हमें दोनों को आसानी होगी। मैं सुयश से नफरत करता हूं, उसको मरवाना चाहता हूं। मैं उसको मरवाना चाहता था। मैं अगर एक काम बोलूं तो करोगे क्या? पैसा ज्यादा मिलेगा। क्या काम? किसी को मारने का है। जगन मेरी बात मान गया, मैंने उसको 50,000 रुपए एडवांस दिए, पर उस दिन काम नहीं हुआ। वो बोला मेरे को पूरे पैसे चाहिए। पैसे कहाँ से? मैंने अपने गांव का घर बेच दिया और उसको सारा पैसा दिया, और मैंने उसको बोला कि मैं सुयश का फोन चोरी करके तेरे को दूंगा, तो फोन लेने के बहाने उसको बुलाना और उसको मार देना। पर मेरे से गलती हो गई। नोटिस भेजा है। मैं ना ही किसी पेपर पे साइन करूंगा और ना ही एक्सेप्ट करूंगा। मैंने तो ये सोच के फोन चोरी किया था कि वो सुयश का फोन है, दिनेश का फोन है, मेरे को मालूम नहीं था। उसके बाद जब मैं घर आया ना साहब, तो मैंने देखा सुयश का फोन तो सुयश के हाथ में ही है, और मेरी बीवी
उसने बताया कि दिनेश का खोया हुआ फोन मिल गया है, वो लेने के लिए गया है। मैं बहुत घबराया साहब, मैंने जगन को बहुत बार फोन किया लेकिन वो उसका फोन बंद आ रहा था, उसका फोन बंद आ रहा था। मेरी एक गलती की वजह से मेरा बेटा मारा गया साहब। एक बात बताऊं साहब आपको, मेरे पास अभी भी बहुत पैसा है, इस बार मैं उस सुयस की सुपारी दूंगा, इस बार वही मरेगा। नरेंद्र व्यास के कबूलनामे के बाद उनके खिलाफ हत्या का केस चलाया गया। नरेंद्र को मेंटली अनस्टेबल पाया गया, शराब पीने को लेकर सुयश की सख्ती ने उसके शक को और भी गहरा कर दिया था, जिसकी वजह से वो सुयश की जान लेना चाहता था और दिनेश बलि चढ़ गया। कोर्ट ने नरेंद्र को दोषी मानते हुए सजा दी और उसको मेंटल असाइलम भेज दिया, जहाँ उसका इलाज अब भी जारी है। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.